भूखी सीखा नहीं, वो अपने सनातन का नहीं, वो किसी का नहीं। हमारी गंगा मैया को छुलनी छुलनी किया जाता था, अवैध उत्खनन कर करके, और वो बड़े आदमी बनकर के, अमीर बनकर के हिंदुओं पर अत्याचार करते थे। जगह जगह हिंदुओं के स्थानों पर, सनातनियों के स्थानों पर चादर डालते थे। लेकिन अब चादर फादर निकट नयाबे, बागेश्वर बालाजी जब नाम सावधान खबरदार, ये देश बाबर का नहीं है, रघुवर का है। लोग हमसे कहते हैं आप बोलते हैं तो आग लग जाती है, लगती हो आग तो लगने दो, आग वहीं लगेगी जहां रावण होगा, क्योंकि हनुमान जी की पूंछ की आग अगर लंका को जलाती है तो विभीषण का घर भी तो बचाती है। लंका में हनुमान जी ने पूंछ से आग लगाई तो कौन जला? जो रावण के खानदान थे उनके घर जले। क्या विभीषण का घर जला? बोलिए, नहीं जला। एक विभीषण करग्रह नहीं, एक विभीषण का घर नहीं मिला मेरे पागलो। वही हम भारत में कहना चाहते, ये सभी संत इसी प्रकार अगर एक मंच पर रहेंगे, इस प्रकार के जननायक, जनसेवा दायक, जनसेवा करने वाले लोग सनातन की बात करेंगे, तो हम गर्व के साथ कह सकते हैं हलीउल्लाह वालों की ठठरी और गठरी बन जाएगी। बोलो जय सियाराम, जय सियाराम। से बोलो जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम। मेरे उत्तराखंड के पागलो, तुम बड़ी